दोस्तों आइसर मोटर की बात कर रहा हूँ, आप सोच रहे हो ये क्या कैलकुलेशन कर रखा है, तो मैं बताता हूँ दोस्तों, आइसर मोटर 1999 में इसके शेयर प्राइस थे 1.22 रुपए के आसपास, और उस समय ही रॉयल एनफील्ड जो बाइक आती थी उस समय था 60,000 रुपए इसकी बाइक की रेट। एंड हम बात कर रहे हैं कुल मिलाकर कि 60,000 रुपए की बाइक ना लेकर अगर हम उस समय शेयर खरीद लेते आइसर मोटर में तो हमारे पास आज कितने पैसे होते, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो 60,000 रुपए को हम 1.22 रुपए से करते हैं डिवाइड और हमारे पास आता है 49,180 शेयर्स, इतने शेयर हमारे पास आते हैं। एंड आज जो शेयर प्राइस है दोस्तों वो है 2789 रुपीज वन शेयर का है, 2789 रुपए है एक शेयर प्राइस का रेट। एंड हम दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई एंड जो आने वाला रकम है वो है हमारा आज का रकम, वो कितना है वो देख लेते हैं आपके सामने, इकाई दहाई सिकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, इसका मतलब है 13,71,63,934 रुपए, ये हमारे आज के रुपए बन जाते अगर हम उस समय 60,000 रुपए के शेयर खरीदते अगर आइसर मोटर में। तो ये है दोस्तों पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर और भी आप इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आने वाले दिन में बहुत ही अमेजिंग वीडियो आने वाली है, शायद ही आपको कोई यूट्यूब पर ऐसा नॉलेज देने वाला है, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो।